जीतते वही हैं जो हार नहीं मानते। हरियाणा के सुरेंद्र नाडा स्टार डिफेंडर है न्यू मुंबई के। रेडर की एंट्री से ही समझ जाते हैं उसकी स्ट्रेटेजी। उनके चंगुल में जो फंसता है उसका बचना मुश्किल होता है और उनके एंगल होल्ड का कोई तोड़ नहीं। दोस्तों, सुरेंद्र नाडा का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के एक गाँव आमरी में हुआ था। उनके पिता पहले से ही एक बढ़िया कबड्डी खिलाड़ी थे और उनके भाई भी कुश्ती के एक जाने माने प्लेयर थे। कबड्डी और कुश्ती से जुड़े परिवार में पैदा हुए सुरेंद्र नाडा अपनी भाई की ही तरह पहलवानी करना चाहते थे और बचपन से ही अपने भाई के साथ कबड्डी के मैदान पर खुद को आजमाया करते थे। स्कूल में भी वे कबड्डी के मैदान पर अपनी जबरदस्त पकड़ और भाई के सिखाए दाव पैंच से बड़े बड़े लड़कों को भी चित कर देते थे। जब सुरेंद्र 16 साल के थे तभी उन्होंने अपने से 5 साल बड़े खिलाड़ी को कुश्ती में चित कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि वे अपने भाई के साथ एक कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सोनीपत गए थे। प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली से आए एक 20 साल के खिलाड़ी ने कुश्ती में खुद से लड़ने के लिए एक ओपन चैलेंज रखा। यह खिलाड़ी पहले ही कई लोगों को कुश्ती में चित कर चुका था और अब इसके साथ मुकाबले के लिए 20 साल की कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं बचा था। तभी अपने भाई के साथ आए सुरेंद्र के मन में इस खिलाड़ी को जमकर पछाड़ने की इच्छा हुई और सुरेंद्र नाडा ने इस खिलाड़ी को खुद से लड़ने का चैलेंज कर दिया। और दोस्तों, मात्र 2.5 मिनट में ही सुरेंद्र नाडा ने दिल्ली के इस खिलाड़ी को चित कर दिया। दोस्तों, सुरेंद्र नाडा कबड्डी और कुश्ती के बेहतरीन खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन इस मुकाबले के बाद उन्हें सभी लोग बहुत अच्छे से जानने लगे और जल्द ही उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए चुन लिया। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं जीती और इसी के चलते उन्हें CISF में स्पोर्ट कोटा के साथ नौकरी भी मिली और वे कई सालों तक CISF की टीम के लिए कबड्डी खेलते रहे। CISF के लिए खेलते हुए उन्होंने टीम को कई सारी कबड्डी जिताई, लेकिन इसके बाद वे हरियाणा की टीम से कबड्डी खेलने लगे और उन्होंने हरियाणा की टीम को भी कई राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिताएं जिताई। दोस्तों, उनकी जबरदस्त पकड़ और फुर्ती से वे किसी भी राइडर को अपने चंगुल में दबोच लेते थे और फिर उस खिलाड़ी का बचना मुश्किल होता था। कुछ सालों तक कबड्डी खेलने के बाद वे एक जबरदस्त डिफेंडर बन गए और दोस्तों, इसके बाद सन 2014 से वे प्रो कबड्डी लीग का हिस्सा बन गए। प्रो कबड्डी लीग में खेलते हुए उन्होंने अब तक 65 मैच खेले हैं और 199 टैकल पॉइंट के साथ 19 रेड पॉइंट भी ले चुके हैं। दोस्तों, प्रो कबड्डी के अलावा सुरेंद्र नाडा 2016 में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे और उन्होंने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने में काफी मदद की। दोस्तों, इसी के साथ सन 2016 के साउथ एशियन गेम में भी उन्होंने अपनी कबड्डी स्किल्स का लोहा मनवाया और शानदार गोल्ड मेडल जीता। अपने पिता और भाई से सीखे कबड्डी और कुश्ती के गुर आज सुरेंद्र नाडा को एक जबरदस्त कबड्डी खिलाड़ी बनाते हैं। दोस्तों, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कबड्डी और कुश्ती में वे कई बार हारे, लेकिन उन्होंने अपने मन को कभी नहीं हारने दिया। दोस्तों, यही कारण है कि आज सफलता उनके कदम चूम रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सुरेंद्र नाडा की यह छोटी सी बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी कहानी कुछ ऐसी ही संघर्ष भरी रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना नाम लिखें। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा और आप पर भी एक अच्छी बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आगे की सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।